हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके और स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं ला चुका हूं आपके लिए एक और ऑसम वीडियो। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ऑसम, अभी हाल ही में एक 5G फ़ोन लॉन्च हुआ है, काफ़ी ऑसम और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेट में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी ब्रांड का ये फ़ोन होने वाला है, सारी डिटेल आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट तो बनता है और बेल आइकन दबाना खूब ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। ये वीडियो होने वाली है काफ़ी धांसू 5G सपोर्टेबल फ़ोन के बारे में। हाल ही में ये लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस रेट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये ओप्पो K9S होने वाला है, 5G सपोर्टेबल फ़ोन होने वाला है और ये एंड्रॉयड V11 में आपको देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप देखने वाले हैं, काफ़ी ऑसम और काफ़ी अच्छे हाइट आपको स्टाइलिश आपको पंच होल डिस्प्ले में देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से ही। फ्रंट में ग्लास बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, बैक प्लास्टिक बॉडी का होने वाला है, ग्लास में आपको गुल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, 6.59 इंच का HD+ फुल LCD डिस्प्ले होने वाला है, 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट भी आप इसमें देखने वाले हैं और इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर प्रोसेसर ही होने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर होने वाला है, ये 5G सपोर्टेबल होने वाला है और काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको देखने को मिल जाएगा इसका फ़ोन। USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने वाले हैं, 5000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी भी आप इसमें देखने वाले हैं, साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आप इसमें मिल जाएगा, 30W का चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सीधे कैमरा सेगमेंट की, तो कैमरा में आपको ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा तथा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा और काफ़ी दमदार होने वाला है, गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वैसे भी आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आपको काफ़ी दमदार देखने को मिलते हैं। USB टाइप सी पोर्ट आप इसमें देखने वाले हैं और 5000mAh की तो बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीधे इसके कलर्स की, तो काफ़ी ऑसम कलर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, पर्पल ब्लैक सिल्वर कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सीधे डायमेंशन की, 159.1 mm की आपको हाइट देखने को मिल जाएगी, 73.4 mm की विड्थ आपको देखने को मिल जाएगी, 7.9 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वेट की, तो वेट होने वाला है 172 grams का आपको इसमें वेट देखने वाले हैं। बात कर लेते हैं सीधे रैम वेरिएंट की, तो इसमें आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट होगा वो आपको अराउंड 16,000 to 17,000 देखने को मिल जाएगा प्राइस रेट, और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज आपको 17,000 के अराउंड आपको उसका प्राइस रेट देखने को मिल जाएगा सेकेंड वेरियंट का। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दुआ मिलते हैं ऐसे ऐसा वीडियो के साथ।